जिला बुलंदशहर और मंडल मेरठ के बीच एक छोटा सा और प्यारा सा जिला हापुड़, जो कि भाईचारे और प्यार के लिए जाना जाता है। हापुड़ जिले के बीच में ही बना हुआ है पक्षियों का अस्पताल, जहां पर पक्षियों का मुफ्त और निशुल्क इलाज होता है और बड़े अच्छे से उनकी केयर करी जाती है। साथियों, पक्षी सेवा सर्वप्रथम धर्म है। किसी की जान बचाना सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा कर्म है। ये जो अस्पताल है जैन समाज द्वारा संचालित है। कुछ दयावान लोग मिलकर के चलाते हैं और पक्षियों को बचाते हैं। तो आप सभी लोग भी इसी प्रकार बेजवानों की मदद करें और इनके प्रति दयावान बने। साथियों, पक्षी प्रकृति की धरोहर है। अगर पक्षी को संसार में ईश्वर ने भेजा है तो किसी न किसी कारण, किसी न किसी वजह से जरूर भेजा है। तो आप लोग मिलकर हमारा सहयोग करें और प्रकृति की धरोहर को बचाने में अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आनंद लें, साथ ही में ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में इसे आगे शेयर कर दें, ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक, और फिर से एक बार मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा साथ में शेयर करें, ताकि ये अभियान, पक्षी बचाओ अभियान, जन जन तक पहुंचे और पक्षियों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम लोग पहुंचे उपचार केंद्र। तो उपचार केंद्र आप जहाँ से देख रहे हैं, हमारे साथ दो बच्चे के साथ खड़े हुए हैं। ये दोनों बच्चे बड़े प्यारे से, बड़े मासूम से, ये भी अपना कोई परिंदा जो कि बीमार है उसे यहाँ पे लेकर के आए हैं और इनसे बात करते हैं कौन सा परिंदा है। तो मेरे दोस्त, क्या नाम है आपका? शाकिब। इनका नाम शाकिब है और आपका क्या नाम है भाई? सुफियान। वही छोटे से बच्चे का नाम सुफियान है। तो शाकिब और सुफियान, आप क्या लेकर गए हैं यहाँ पर? कबूतर। आपके पास कबूतर है और जो आप लेकर गए थे, तो मैं जानना चाहूँगा क्या हुआ है आप कबूतर को? सांस की बीमारी। सांस की बीमारी, यहाँ फ्री इलाज होता तो यही लेकर के आते हैं हम लोग। आपको पता है अच्छा अस्पताल है, बढ़िया इलाज करते हैं, तो आप भी इलाज कराते हैं दोनों लोग। साकिब और सुफियान ने ऐसा ही बताया यहाँ पर अच्छा इलाज होता है, आप यहाँ लोग परिंदा यहाँ बुला सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। और मुफ्त इलाज होता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मैं दिखाई दूँ आपके पास। ऐसे ये पक्षियों का अस्पताल आप देख सकते हैं सामने, मुफ्त इलाज यहाँ पक्षियों का होता है। दोस्तों, इस प्रकार आप लोग ये पक्षी सेवा करते रहिए। देखिए, छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे से किस प्रकार से पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। तो बस यही एक संकल्प आप भी ले लीजिए कि जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है, वन्य जीवों की ज़्यादा मदद करें और सपोर्ट कर देंगे। दोस्तों, ठीक है, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नए परिंदे के साथ।